वेलकम बैक स्टूडेंट्स, लर्न ब्रेन के करंट अफेयर में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। मैं जीवन आप सभी के लिए लेके ज्यूरिप्रूडेंस की एक सीरीज़ लेके आया हूँ, जिसके अंदर चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को हम सॉल्व करेंगे। साथ ही साथ अपने यूट्यूब चैनल पर हम जैसे जैसे हमारे को टाइम मिलता जाएगा हम यूट्यूब पर अपने लेक्चर्स अपलोड कर देंगे। जो भी स्टूडेंट्स चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सभी के लिए लेक्चर्स बहुत ज़रूरी दिए हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में अवेलेबल हैं और इसके पीडीएफ्स भी आपको सभी को मिल जाएंगे। इसके साथ इसके पीडीएफ्स भी अवेलेबल हो जाएंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स के, उनके आंसर के साथ साथ ही आपको लेक्चर्स के पीडीएफ भी मिल जाएंगे। अगर किसी स्टूडेंट्स को पीडीएफ की ज़रूरत है तो हमारे स्क्रीन पर नंबर है, आप उस पर भी हमारे साथ कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। सिवाय बात एक ध्यान रखने वाली कि आप सिर्फ मैसेज कीजिएगा, कॉल ना कीजिएगा, क्योंकि कॉल का फ्लो काफ़ी ज़्यादा है जिस वजह से सारे कॉल नहीं उठा पाएंगे। तो आप हमें व्हाट्सअप कीजिएगा, हम उसके अंदर ही आपको रिप्लाई दे देंगे और आपको आपके नोट्स अवेलेबल करा देंगे। शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, आज की क्लास शुरू करने से पहले एक मोटिवेशनल कोट से शुरू करते हैं। कोट कुछ इस तरीके से है कि ना पूछो मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफ़र का इरादा किया है, ना हारूंगा हौसला चाहे कुछ भी हो जाए, ये मैंने किसी और से नहीं खुद से वादा किया है। जी हाँ, इस कोर्स का मतलब ये हुआ कि आपको अपने आप ये वादा करना पड़ेगा कि मैं इस एग्ज़ाम को, मैं इस कंपटीशन को, मैं अपने इरादों से, अपने हौसलों से इस समस्या को सॉल्व कर सकता हूँ। कोई भी आपकी मदद नहीं कर सकता, वो सिर्फ आपको सपोर्ट कर सकता है, लेकिन आपको अपनी मदद अपने आप ही करनी होगी। और आपको अपने एग्ज़ाम, अपने कंपटीशन, अपनी पढ़ाई, अपना भविष्य कुछ भी बनाना हो तो ये कदम सिर्फ आपको ही उठाना पड़ेगा, कोई दूसरा आपकी आके मदद करने वाला नहीं है, ये बात आप जान लीजिए। अगर आप अपने भविष्य के बारे में लेकर जागरूक नहीं हैं, डेडिकेटेड नहीं है, तो कोई और मदद नहीं कर सकता है। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम में आया हुआ पहला क्वेश्चन इस तरीके से है कि ज्यूरिप्रूडेंस नेता साइंस ऑफ सिविल लॉ सॉल्वमेंट के उसमें डिस्कस करना है। तो जान लेते हैं पहले कि ज्यूरिप्रूडेंस क्या है। ज्यूरिप्रूडेंस एक लैटिन भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है ज्यूरिप्रूडेंशिया। ज्यूरिप्रूडेंशिया दो शब्दों से मिलकर बना है, पहला तो ज्यूरिस और दूसरा है प्रूडेंशिया। ज्यूरिस मतलब होता है लॉ और प्रूडेंशिया मतलब होता है नॉलेज। अगर हम दोनों को कंबाइन कर दें तो बनता है नॉलेज ऑफ लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन। कहने का मतलब ये हुआ कि सिंपल भाषा में हम कहें तो हम कानून को जानने या कानून की समझ के लिए जिन जिन एप्लीकेशन, जिन जिन तत्वों का, जिन जिन अर्थों का, जिन जिन शब्दों का उपयोग करते हैं, जिन जिन रूप में प्रयोग करते हैं, वह सारे की सारी ज्यूरिप्रूडेंस के अंदर आती है। और ज्यूरिप्रूडेंस एक शुरुआती दौर है कानून की व्यवस्था का। ज्यूरिप्रूडेंस एक शुरुआती दौर है जहाँ से कानून की शुरुआत होती है, ये एक तरह से बैकबोन भी कह सकते हैं। आप ज्यूरिप्रूडेंस को एक बैकबोन के रूप में भी देख सकते हैं लॉ की, क्योंकि ज्यूरिप्रूडेंस से कानून की अलग अलग शाखाओं, अलग अलग राइटरों ने, फिलोसोफर्स ने, प्रोफेसर्स ने, ज्यूरिस्ट ने अपनी अपनी राय दी है और उन सभी ने इस एक बात पर फोकस किया है कि ज्यूरिप्रूडेंस इज द इनिशियल स्टेज ऑफ लॉ। अकॉर्डिंग टू सॉल्मन के अनुसार उन्होंने ज्यूरिप्रूडेंस को दो हिस्सों में डिवाइड किया है, पहला है इनवाइडर सेंस में और दूसरा है नैरो सेंस में। इनवाइडर सेंस को हम जेनरिक सेंस भी कह सकते हैं और नैरो सेंस को हम स्पेसिफिक सेंस भी कह सकते हैं। आइए तो पहले इनवाइडर सेंस को देखते हैं। इनवाइडर सेंस को हम साइंस ऑफ सिविल लॉ के नाम से भी जानते हैं, जिसका मतलब होता है इंटायर बॉडी ऑफ लीगल डॉक्ट्राइन। कहने का मतलब यह है कि इसमें कानून और कानून के सिद्धांतों का इंटायर, मतलब पूरा का पूरा जो कि कानून के सिद्धांत हैं और कानून हैं, वो इसके अंदर इंक्लूड किए हैं। किसमें? इनवाइडर सेंस के अंदर। किसके अनुसार? एज़ पर द सॉल्मन के अनुसार। इसी के विपरीत सॉल्मन ने नैरो सेंस में भी बताया है कि नैरो सेंस क्या है। नैरो सेंस को हम साइंस ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ सिविल लॉ या फिलॉसफी ऑफ लॉ
या फिर हम स्पेसिफिक लॉ या फिर पर्टिकुलर डॉक्ट्राइन या थ्योरेटिकल ज्यूरिसप्रूडेंस भी कहते हैं। तो बच्चों इस चीज़ को याद रखना, मैंने जितने भी नाम बताए हैं ये एग्जामिनर घुमा घुमा फिरा कर आपसे कई बार पूछ सकता है, तो आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, आपको इसको याद करके रखना है। तो नैरो सेंस का मतलब ये हो गया कि एक स्पेसिफिक डिपार्टमेंट या फिर स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट या स्पेसिफिक एरिया की ओर इंडिकेट करता है और उस एरिया को बताता है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखते हैं कि सलमान ने कहा था कि साइंस ऑफ सिविल लॉ, तो साइंस ऑफ सिविल लॉ का क्या मतलब होता है। सलमान के अनुसार साइंस ऑफ सिविल लॉ को उसने तीन कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। पहला किया उसने साइंस, फिर सिविल लॉ और फिर लॉ में अलग कर दिया। साइंस के उसमें उन्होंने बताया कि साइंस इज़ अ एक सिस्टमेटिक नॉलेज ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, मतलब कि कानून की दृष्टि से देखा जाए तो हमें लॉ में एक सिस्टमेटिक मैनर में चीज़ों को सेट करना पड़ता है। सेट करने का मतलब साइंस में जैसे किसी चीज़ के पीछे कॉन्सेप्ट होता है कि ये चीज़ किस तरीके से आए, तो ठीक उसी तरीके से साइंस लॉ के अंदर भी ठीक इसी तरीके से ही होता है कि ये जो है साइंस किस तरीके से है। अगला है सिविल लॉ। सिविल लॉ, सिविल लॉ का मतलब होता है कि एक स्टेट दूसरी स्टेट को या दूसरी बॉडीज़ को इस चीज़ के लिए अपोज करता है, मना करता है, और वो किसके द्वारा मना करता है, वो सिविल लॉ के द्वारा मना करता है। द लॉ मेड बाय द स्टेट टू अपोज द अदर बॉडीज़ टू रूल, मतलब कि दूसरी जो अदर बॉडीज़ हैं उनको रूल मतलब यहाँ पर रूल का मतलब है कि शासन करने से, उनको शासन करने से मना करता है। कौन? सिविल लॉ, कानून, कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। फिर है लॉ। लॉ का मतलब क्या कि जिनको जो हमारे ज्यूरिस्ट हैं, जजिस हैं, वो उनको एक्सप्लेन कर देते हैं या उनको वेरीफाई कर देते हैं, वो लॉ बन जाते हैं। द प्रिंसिपल रिकॉग्नाइज्ड प्लस अप्लाइड बाय द स्टेट इन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, मतलब कि हमारे जो वकील जो अपना जजिस के सामने अपने आर्ग्यूमेंट करते हैं, उस केस का जो रिज़ल्ट निकल के आते हैं, जो हमारे जजिस फैसला सुनाते हैं, उस फैसले के बिहाफ पर वो लॉ एप्लीकेबल और वेरीफाइड जाता है। चलिए आगे देखते हैं कि अब है कि हैज़ पर द काइंड ऑफ ज्यूरिसप्रूडेंस, हैज़ पर द सलमान ने क्या है कि ज्यूरिसप्रूडेंस को तीन भागों में डिवाइड कर दिया है। एक एक्सपर्टरी ज्यूरिसप्रूडेंस, लीगल हिस्ट्री और द साइंस ऑफ लेजिस्लेशन। एक्सपर्टरी ज्यूरिसप्रूडेंस को हम सिस्टमेटिक ज्यूरिसप्रूडेंस भी कहते हैं। ये ज्यूरिसप्रूडेंस क्या है कि प्रेजेंट से लेकर पास्ट में जो लीगल सिस्टम है उसके साथ डील कैसे करें, जबकि लीगल हिस्ट्री हमारे को बताता है कि पास्ट से लेकर प्रेजेंट तक में लीगल जो डॉक्ट्राइन है, लीगल कानून व्यवस्था है, कानून में किस तरीके से बदलाव आए हैं, कितने फिलोसोफर आए हैं, अलग अलग हिस्टोरिकल्स ने क्या क्या राय दी है, क्या क्या क्रिटिसिज्म है, सब कुछ इसके अंदर उनके पास्ट से लेकर प्रेजेंट तक की जर्नी को बताते हैं। और थर्ड है द साइंस ऑफ लेजिस्लेशन, डील विद द आइडियल फ्यूचर ऑफ लीगल सिस्टम। कहने का मतलब कि कुछ ऐसे आइडियल फ्यूचर, मतलब कि ऐसे बहुत सारे लीगल डील्स होती हैं जो कि फ्यूचर के लिए होती है, लेकिन उसकी प्रिपरेशन हमें करंट में करके रखनी पड़ती है। तो ये सिस्टम, ये ज्यूरिसप्रूडेंस इस तरीके से भी काम करता है। तो सलमान के अनुसार एक था कि साइंस ऑफ सिविल लॉ मैंने आपको बता दिया ज्यूरिसप्रूडेंस के हिसाब से। इस तरीके से आगे और भी है कि कई सारे फिलोसोफर आए, जूरिस्ट आए, उन्होंने उनको सलमान को क्रिटिसाइज़ भी किया है। तो अगर आपको मोर डिटेल से चाहिए वीडियो, तो आप लर्न मिलियन के चैनल पर जाकर आप एक बार देख सकते हैं, और वहाँ सर आप हमारी प्लेलिस्ट में चेक भी कर सकते हैं। अगर आपको एक्सपर्टरी ज्यूरिसप्रूडेंस के बारे में और जानना है तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर सर्च कीजिए लर्न ब्रेन के साथ अपना कॉन्सेप्ट जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं, वो आपको बड़े आसानी से मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में आप फिर मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। मन लगा के पढ़ते रहिए और अपने जीवन में आगे बढ़ते रहिए। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात, इम्पोर्टेंट बात है, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी का सारे के सारे सेमेस्टर की वीडियोस बहुत जल्दी हम अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर देंगे। आप यहां से पढ़ाई करके अपनी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। अगर किसी को नोट्स या पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे साथ कमेंट कर सकते हैं, और अपना मेरा व्हाट्सअप चैनल का नंबर भी है, व्हाट्सअप का भी नंबर है,
आपको स्क्रीन में दिखाई भी दे रहा होगा, उस पर आप जाकर आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। चलिए थैंक यू, फिर मिलते हैं। ओके ठीक है, धन्यवाद।